गाइस, हमने एक साथ एक नहीं अपने दो दो प्यारे भाई और योद्धाओं को खो दिया। बिल्कुल सही कहा यार, ये लड़ाई आखिरकार खत्म क्यों नहीं होती? मैं भी यही पूछता हूँ ऊपर वाले से सोने से पहले कि ये क्या हो रहा है, कब यहाँ पर हमारी दुनिया में लोगों के अंदर से नफरत खत्म होगी? कैसे किए इस किबड़ी टॉयलेट मॉन्स्टर और यहाँ पर हमारे बीच में नफरत के चलते आज गोल्डन स्पीकर मैन और साथ साथ में हमारा गन मैन ऊपर वाले को प्यारे हो गए हैं। इन लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा कोशिश की अपने आप को बचाने के लिए इस दुनिया को, लेकिन ये दुनिया को बचाने में तो कामयाब हो गए लेकिन यार अपने आप को नहीं बचा पाए। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इनके गम में काफी लोग भी आए हैं। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा मेरे प्यारे दोस्तों, तुम लोग घबराओ मत, ये दुनिया अभी भी अकेली नहीं है। अवेंजर्स हैं, हमारा भाई स्पीकर मैन और गनमैन शहीद हुए हैं, वो लोग मरे नहीं हैं और वो हमारी यादों में हमेशा ताजा रहेंगे। इसलिए यहाँ पर स्पीकर मैन और गनमैन ने मुझे एक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पर एक ऐसी वेबसाइट बनाई है, जिस वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप सभी यहाँ पर गनमैन या फिर हमारा भाई स्पीकर मैन जैसे महान सुपर हीरो बन सकते हैं और हमारी दुनिया को बचाने में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। देखिए, इस तरह की वेबसाइट पे आपको मिसाइल मैन बनने का, बॉम्ब मैन बनने का, ग्रेनेड मैन बनने का, स्पीकर मैन बनने का पूरा मौका मिलेगा। आपके पास जितने पैसे होंगे आप इतने महान और ग्रेट सुपर हीरो बन सकते हैं। मेरे पास फिलहाल यहां पर टोटल 4 फोन है, जिसमें से कि एक मेरे पास है और बाकी के 3 डेस्क पर रखे हैं। और इससे बढ़िया चीज क्या ही होगी। अबे ये टोनी बोल रहा था यहां पर 3 फोन रखे हैं, लेकिन यहां तो बस 2 ही फोन है यार। कोई बात नहीं है, मुझे तो एक फोन चाहिए। टोनी चाहता है मैं सुपर हीरो बनूं। अरे, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर विलन बनने का सपना है मेरा। और मुझे भी चाहिए। ए, मुझे बनना है सुपर हीरो। अरे कैसा सुपर हीरो, किस बात का सुपर हीरो? अरे सब कुछ तबाह कर दूंगा, सबका मालिक बन जाऊंगा। जल्दी इस वाले फोन के लेता हूँ। टोनी, ये तूने क्या कर दिया, इतने ज्यादा खतरनाक और बुरे लोगों के सामने ये सब बता दिया। फ्रैंकलिन, मुझे गनमैन और साथ साथ में स्पीकर मैन का दिया हुआ वादा पूरा करना था। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया के सामने हो, लेकिन मेरा वादे का क्या? टोनी, तूने बोला था 3 फोन है, बस वहां पर 2 ही थे। यार मुझे अपना फोन दे दे। ये क्या कह रहा है तू? नहीं, उस फोन का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर एक ग्रेट सुपर हीरो बनूंगा। और चुप कर, और कितना ग्रेट सुपर हीरो बनेगा ये? पीछे जल्दी मेरे को यहाँ पे फोन दे दे। ओह माय गॉड, टोनी ने तेरा फोन भी छीन लिया। वाह, अरे वेबसाइट खोलता हूँ। अरे ये क्या कर दिया, लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे इन सभी को नहीं बता चेता। वही तो बोल रहा हूँ मैं, अब क्या होगा, मैं यहाँ पर इनसे फोन छीन के रहूंगा। हे, यहाँ पर फोन दो, तुम्हारा कोई हक नहीं है यहाँ पर सुपर विलन बनने का। हमारा भाई गनमैन और स्पीकर मैन चाहते थे कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू लोग सुपर हीरो बने। अबे हो, चल निकल यहाँ से, हमको तेरा भाषण नहीं सुनना। गाइस, कोई प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। मुझे इस ब्लैक फ्रैंकलिन ब्लैक रेवेंजर रेडल को रोकना होगा। प्लीज फ्रैंकलिन, मुझे माफ कर दे यार, मुझे नहीं पता था ये सब हो सकता है। अरे बकवास बंद करो। अरे जल्दी देखो मुझे क्या मिलेगा। और वाह, मुझे तो यहाँ पर बहुत बढ़िया साइज मिली है। ऐसा क्या मिल गया इनको, मुझे खुद नहीं पता। अरे ये तो ऑल सूट शॉप है, देखता हूँ मेरा सूट कौन सा। क्या बात है, यहाँ पर तो इविल टीवी स्क्रीन मैन है। अरे यहाँ पर इसके बीट वाले मॉन्स्टर भी है। ओ, यहाँ पर अपग्रेडेड टाइटन स्पीकर मैन भी है। ओ माय गॉड, अरे देखो मुझे, मैं तो अपग्रेडेड टाइटन स्पीकर मैन बन गया। व्हाट, इसने इतना बड़ा सूट खरीद लिया। अब फ्रैंकलिन ये क्या, अरे मुझे देखो और मैं तो इसके बीट टॉयलेट मॉन्स्टर बन गया। और मुझे देखो, ओए मैं बन गया इविल टीवी स्क्रीन मैन। गाइस नहीं नहीं, ये नहीं सकता। फ्रैंकलिन ध्यान से मेरी बात सुन, चुपचाप सीधा चलता जा, इन लोगों को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन कहाँ जाऊँ? डेस्क के पास जा, वहां पर 3 फोन थे, एक और होगा जरूर, ढूंढ उसको। उस फोन का इस्तेमाल करके तू भी यहाँ पर महान सुपर हीरो बन और इनकी बैंड बजा। हाँ, फोन तो है नीचे रखा है, अच्छी बात है इस फोन पे लोगों की नजर नहीं पड़ी। गाइस, लेकिन टोनी तूने कहा था जिसके पास इतने पैसे होंगे वो इतना अच्छा सूट खरीद पाएगा। ये तो है, अब तेरे पास क्या है? यार इसमें लॉक लगा हुआ है, चिंता मत कर, उस लॉक को तोड़ दे। ऑलराइट गाइस, जल्दी से इस लॉक को मैं यहाँ पे तोड़ देता हूँ। देखिए ऊपर लिख रहा है मिसाइल मैन सूट। वाह, मतलब मुझे एक राउंड में मिसाइल मैन का सूट मिलेगा। गाइस देखिए दोस्तों, ये कैसा सूट है, अभी इसको पाए क्या। क्या बात है, मैं तो सच में एक दौर में एक मिसाइल मैन का सूट ले लिया। क्या बात है फ्रैंकलिन, लेकिन तेरे पास $1 ही था क्या? हाँ, उससे ज्यादा नहीं था। कोई बात नहीं, और पैसे कमा के बड़े बड़े सूट लेना। फिलहाल यहाँ पर जितने मिसाइल से दाग दे सारे दुश्मनों पर, इनकी बैंड बजा दे। बिल्कुल सही कहा गाइस, यही सही आ गया। यहाँ पर मैं अपनी टेलीक्रिस की पावर से जितनी भी मिसाइल है उनको शूट करूंगा। अरे देखो देखो, अबे ये पागल हो गया है। अरे हाँ, ये बिल्कुल पागल हो गया है। अरे ये तो पिद्दी सा मिसाइल मैन है। बिल्कुल सही कहा, अरे इसे तो बच्चों को खिलौना को मिला के रख दो। अरे बाप रे, ये क्या, ये तीनों तो क्या, इनमें से एक को नहीं हरा पाऊंगा मैं। अरे बाप रे, मार दिया। अब से तुम सब लोग हमारे गुलाम हो। अरे नहीं, हम गुलाम नहीं बनेंगे।
अरे हाँ, हम गुलाम नहीं बनेंगे, तो मरो। अब क्या होगा फ्रैंकलिन, ये तो सब कुछ तबाह हो गया। ओह नो गाइस, हम यहाँ पर मर भी गए तो वहां जाकर गनमैन को साथ साथ में स्पीकर मैन को क्या जवाब देंगे? ये सब मेरी गलती है, मेरे पास अब पैसे भी नहीं है कि मैं तेरी मदद कर पाऊँ। फ्रैंकलिन मुझे माफ कर दे। तू ही, तू चिंता मत कर, मैं यहाँ पर पैसे कमाऊंगा और अपने लिए बड़ा वाला मिसाइल मैन का सूट खरीदूंगा, उसके बाद यहाँ पर दुनिया में पीस लाऊंगा। अरे भैया बर्बाद हो गए, ये क्या हो गया? एक मिनट, ये तो कमिश्नर साहब है। कमिश्नर साहब क्या हो गया? अरे यहाँ पर हम सारे पुलिस वालों की नौकरी चली जाएगी, हमारा पूरा देश लूट जाएगा। लेकिन हुआ क्या आप बताएंगे? हम सारे पुलिस वालों पर ये कौन सा कहरा टूट पड़ा है, ये देखो इस आईसिस के बड़े टॉयलेट मॉन्स्टर को, ये यहाँ पर हमारे पुलिस स्टेशन पे कब्जा कर लिया है। इसकी आर्मी में चारों तरफ से टॉयलेट टॉयलेट भरे पड़े हैं। इसने यहाँ तक कि हमारा टैंक से लेकर खतरनाक वेपन्स और यहाँ तक सारे की सारी फाइल्स चुरा के रख लिए है। ओह माय गॉड, प्लीज बच्चे यहाँ पर हमारा पूरा पुलिस स्टेशन बचवा दे, हम बदले में तुझे मालामाल कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे पैसे नहीं भी देते तो भी मैं आपकी मदद करता। सिक्योरिटी टॉयलेट मॉन्स्टर्स, मैं तुम सभी को और तुम्हारे बॉस को चैलेंज करता हूँ। अगर हिम्मत हो आके बाहर लड़ो और मैं तुम्हें पीट दूंगा, मैं एक मिसाइल मैन हूँ। और इसकी बड़ी ये पागल हो गया क्या? चलो भाई लोग, यहाँ पर टैंक में बैठ के जाके इसकी बैंड बजाता हूँ। ये क्या कह रहा है? इसकी बड़ी ओए भाग चूहे भाग, ओ बिल्ली आई इसकी बड़ी ये क्या कह रहा है? अरे ये ले असली मिसाइल, ये है इसकी बड़ी अभी मुझे मेरे पास छोटी मिसाइल से इसने मेरा कुछ कर नहीं सकता, समझा? वरना तेरी बैंड बजा दूंगा। ओह नो, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, वरना मैं बड़ा वाला सूट खरीद के इसकी बैंड बजाता। ये कैसे कुचल रहा है मेरे को भाई साहब। गाइस आप लोग प्लीज कमेंट में जल्दी फ्रैंकलिन ओपी लिखो, मुझे आप सभी की मदद चाहिए, मुझे इन सब की बैंड बजानी पड़ेगी, मुझे को समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, मेरे यहाँ पर एक इनविजिबल मोड है। व्हाट, मेरी आर्म्स में यहाँ पे कुछ बटन है, दबाकर देखूं। ये इनविजिबल मोड दबाया। एक मिनट, व्हाट गाइस, अरे मैं गायब हो गया, मतलब ऑलमोस्ट गायब नहीं हुआ लेकिन ना के बराबर दिख रहा हूँ ना। गाइस अगर आपको भी मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा हूँ तो कमेंट में जल्दी ऐसे लिखो, अभी चेक कर लेते हैं। वाह, इसके बड़ी से मेरे को नहीं देखा, बस थोड़ा सा आराम से बोलता हूँ, मेरे को यहाँ पर इन सबकी बैंड बजानी पड़ेगी। अरे ये क्या? यादमर कैसे आ गया? अरे नहीं, मैं दिखना जरूर हो गया, लगता है वो इनविजिबल मोड लिमिटेड टाइम के लिए है। शायद जितना बड़ा सूट होगा उतनी अच्छी तरह से मैं यहाँ पर इस सूट के फीचर यूज कर पाऊंगा। और उस कपड़े मार दो उसको। अरे हाँ, इसके बड़े चौड़ा मत उसको। अरे बाप रे गाइस, ये क्या हो गया? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, देखना मैं पुलिस स्टेशन को बचा के रहूंगा। अरे प्लीज अंकल साहब, अंदर मत जाओ, वरना ये इसकी बड़ी साहब के बैंड बजा देंगे। गाइस साहब यहाँ पर देखिए, बेचारी पुलिस अपना स्टेशन वापस लेने की बहुत कोशिश कर रही है। इसके बड़े मुझे गुस्सा आ रहा है, निकल जाओ वरना सबको मार दूंगा। ओ भाई साहब, ये क्या? अरे भैया, ये तो यहाँ पर हमारी तरफ बड़ी सी मिसाइल छोड़ रहा है। गाइस मैं एक मिसाइल मैन हूँ, मैं बेशक यहाँ पर इससे बड़ी मिसाइल का इस्तेमाल करके इस मिसाइल को रोक नहीं सकता, बट इस मिसाइल को कंट्रोल करके वापस से इसी के मालिक के पास भेज तो सकता हूँ। कम ऑन, मेरी टेलीकिनेसिस की पावर्स यहाँ पर काम कर जाओ, मुझे इस मिसाइल को कंट्रोल करके वापस वहीं भेजना होगा। ओके, काम हो रहा है। गाइस मिसाइल को मैंने उल्टा पलट दिया और यहाँ पर ये जहाँ से निकली है वहीं जा रही है। ओ इसके बड़े, ये कैसे हो सकता है? मेरा मिसाइल मुझी को मारने आ रहा है। नहीं, अरे कोई इस मिसाइल को रोको, लेट्स गो। अब भाई साहब देखिए, इसके बड़े, और मेरे को यहाँ पे आग बिल्कुल नहीं पसंद, मैं वाटर इसके बड़े हूँ। ओए मुझे जाने दो यहाँ से। फाइनली गाइस, यहाँ पर आत्मसमर्पण करने के लिए आइस इसके बड़े ऑलमोस्ट तैयार था और वो यहाँ से भाग भी गया, मतलब काम हो गया। बहुत शुक्रिया बच्चे, हम तुझसे खुश है, फिलहाल हमारे पास इतना पैसा है, आगे और फंड आने पे हम तुझे और ज्यादा डिलीवर करेंगे, तू जा और जाकर दुनिया को बचा। वाह गाइस, अब तो सरकार भी मुझे सपोर्ट कर रही है। चलिए दोस्तों, क्यों ना इसी बात पे जितना पैसा मेरे पास है उसका इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर जल्दी से $50 मिलियन का एक बढ़िया सा सूट खरीद लूं। देखते हैं गाइस, ये वाला सूट, ओह माय गॉड, ये तो बड़ा लग रहा है यार मेरे इस वाले से। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये बड़ा नहीं बहुत बड़ा है, ये जायंट मिसाइल मैन का सूट है। मतलब अब तो मैं यहाँ पर बड़े बड़े मिसाइल्स को कंट्रोल कर सकता हूँ और इवन यहाँ पर लॉन्च भी कर सकता हूँ और शायद एक मिसाइल की तरह मैं उड़ भी पाऊँ। वो तो शायद मैं भी नहीं कर सकता, बट जंप तो लगा पा रहा हूँ कम से कम। लेकिन गाइस मेरी मिसाइल देखिए, एक पावर पे सब ऑटो गन की तरह मैं यहाँ पे मिसाइल शूट किए जा रहा हूँ, आउट ऑफ कैपेसिटी भी नहीं हो रही। क्या बात है दोस्तों, ये तो कमाल हो गया। चलो जल्दी से अवेंजर्स को बचाने चलते हैं। एक मिनट,
ओह नो, ये क्या हो गया? पूरा स्टॉक मेंशन आग में जल रहा है। अरे स्किबिडी मजा आ गया। अब ये बेकार सा गंदा सा स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर का घर है, कोई स्टॉक मेंशन नहीं है स्किबिडी। ओके, तो यहाँ पर पक्का अवेंजर्स यहाँ है नहीं, इनका मालिक कहीं लेकर गया होगा। ओए ये ले दे दो। अरे स्किबिडी कौन मारा मेरे को? जल्दी बता मेरे अवेंजर्स कहाँ पर हैं? अगर तूने एक सेकंड के अंदर मुझे नहीं बताया तो मैं सब कुछ मार दूंगा। अरे बताता हूँ, मेरे मालिक उसको पुराने एयरपोर्ट पे लेके गए, सारे अवेंजर्स को वहीं एग्जीक्यूट किया जाएगा जिससे किसी को पता नहीं चले। व्हाट गाइस, हमें जल्दी चलना पड़ेगा, मुझे अवेंजर्स को बचाना है किसी भी हालत में। ऑलराइट दोस्तों, मैं यहां पर ट्रेवर के पुराने पट पे आ गया हूं और सारे अवेंजर्स, एक मिनट, ये क्या? अरे कसम है, छोड़ के चलेगा ये? अरे हां, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इस स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर ने और स्कैरी इविल टीवी मैन ने और साथ-साथ में अपग्रेडेड टाइटन स्पीकर मैन ने, जो कि रेड हल्क, ब्लैक फ्रैंकलिन, ब्लैक रेंजर, इन्होंने मेरे भाई टोनी को और हल्क को मार दिया। एक मिनट, ये सारा पैसा तो टोनी का है, लगता है स्टॉक मेंशन से इसको भी चुरा लाया। आईडिया गाइस, क्यों ना मैं टेलीकिनेसी पावर का इस्तेमाल करके सारे पैसे को अपने अकाउंट में ऐड कर लूं? ये क्या हो रहा है सासे? अरे स्वागत नहीं करेंगे हम तेरा इसके बड़े। एक मिनट, ये तो रेड हल्क है। मैं यहां पर अपने टाइटन स्कीपर पावर से तेरा कान ब्लास्ट कर दूंगा, तेरा मिसाइल तुझी में फट जाएगा, मर जाएगा तू। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, ये बहुत तेज साउंड है गाइस, ट्रेली में मेरी हालत खराब हो रही है। अरे कोई बचाओ मेरे को। नहीं दोस्तों, यहाँ पर मेरे अलावा मुझे अभी कोई और नहीं बचा सकता, मुझे यहाँ पर खुद की मदद करनी होगी, मुझे मेरे प्लान पर जारी रहना होगा। जितना भी टोनी स्टार्क का पैसा इन लोगों ने चुराया है वो हालांकि हमारा है, हमारी फैमिली को बिलोंग करता है, मैं उस सारे पैसे को अपने अकाउंट में ऐड कर लूंगा। अरे तेरे बस की कुछ नहीं है इसके बड़े। ब्लैक फ्रैंकलिन तू देख लेना, मैं सारे पैसे को लेके रहूंगा। अरे नहीं ले पाएगा तू। ऑलराइट दोस्तों, 1 2 3 फाइनली मेरे अकाउंट में 80 मिलियन आ गया। नहीं, अरे सारा पैसा गायब हो गया, उस फ्रैंकलिन को एग्जीक्यूट करो, खत्म कर डालो। ऑलराइट दोस्तों, इससे पहले कि अपने एक्शन ले, मैं यहां पर 80 मिलियन डॉलर में एक सेकंड नहीं थर्ड वाला सूट खरीद लेता हूं, देखते हैं ये कैसा है। अरे ये भी सेम है, ऐसा क्या खास है इसमें? अभी बाय करता हूं। ओके, तो ये खास है, मैं पहले से और ज्यादा एनहांस्ड पावरफुल फील कर पा रहा हूँ अपने अंदर, और यहाँ पर मैं बड़ा भी हो चुका हूँ। ऑलराइट दोस्तों, अब यहाँ पर आप मेरी नई नई पावर्स देखेंगे, मेरे पास स्पीड रोटेशन मिसाइल्स हैं और साथ साथ में यहाँ पर फायर मिसाइल अटैक भी है। पहले देखिए मेरा मिनी मिसाइल अटैक। नहीं, ये क्या हो रहा है? अरे मेरी बैंड बज गई। अरे नहीं, ये क्या? अरे ये तो ब्लैक रेवेंजर हल्क को मार देगा। अभी तेरी भी बारी आएगी, ये ले बेटा ब्लैक फ्रैंकलिन, तू भी क्या? अरे बाप रे, फ्रैंकलिन तू कीड़ों को मार सकता है, शेर को नहीं। मैं अपग्रेडेड टाइटन स्पीकर मैन हूँ। मेरा रा रा रा, क्या हो रहा है? अरे ये तो थोड़ी मोड़ी हवा है, इससे थोड़ी हिलूंगा मैं। अच्छा बेटा गाइस, तो फिर मुझे यहाँ पर इस पर अलग तरीके का अटैक करना पड़ेगा, लेकिन यार ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इसको कैसे हराऊं? अरे वो रहा सर जी, फ्रैंकलिन चलिए उसके पास। अरे हाँ, अरे बच्चे फ्रैंकलिन ले, हमारी सरकार ने तेरे को और ज्यादा पैसे दिए हैं, पूरे 120 मिलियन। अरे हाँ, ये लो भाई फ्रैंकलिन। अरे हाँ बच्चे, यहाँ पर मैं और मेरा दोस्त तेरे लिए पैसे लेके आए। ऑलराइट गाइस, देखते हैं ये कितना पैसा है। पूरा 120 मिलियन डॉलर है। 120 मिलियन डॉलर? टाइटन मिसाइल मैन बन चुका हूं, मेरे मिसाइल्स कितने ज्यादा बड़े हो गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे मैं तेरी ब्रांड बचा दूंगा, अपग्रेडेड टाइटन स्पीकर मैन। अब देखिए गाइस, मैं यहां पर एक सुपर स्पीड रोटेशन राउंड मिसाइल को यहां पर शूट कर दिया हूं। वाह, मेरा मिसाइल जैसे इसकी बॉडी में यहां पर अड्डा के हिट हुआ ना, इसकी पूरी बॉडी भाई लावा की तरह खोल गई और पूरी तरह से घूम गई, जिस वजह से यहां पर पूरा पूरा अपग्रेडेड टाइटन स्पीकर मैन का सूट ही डिस्ट्रॉय हो गया। अरे वाह फ्रैंकलिन भाई, तो जीनियस भी हो गया। अरे हाँ फ्रैंकलिन, शुक्रिया। गाइस, अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखना है तो स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।